गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गीता अग्रवाल, इंग्लिश मिस्ट्रेस. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. दिस इज टुडे इज 11th of January 2022. दिस इज क्लास 10th. लेट्स रीड द शीट सेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब. बच्चों अज आपां नूं जिहड़ी शीट आई है वह है सप्लीमेंट्री बुक द लैसन द डाइंग डिटेक्टिव. बच्चों यह लैसन जो है इस लैसन नूं होप सो कि तुसी पढ़ लिया होवेगा. जे तुसी हजे तक नहीं पढ़िया तां बहुत जल्दी मैं तुहाडे लई इहदी एक वीडियो तैयार करूँगी जिसके तुहानूं पूरा लैसन पंजाबी दे विच समझाया जाएगा. यह तुहाडी बुक का चौथा लैसन है, सप्लीमेंट्री बुक का लैसन 4 है. तो अज आपां इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करन जा रहे हैं. लैसन की वीडियो जल्दी ही तुहानूं मेरे चैनल पर मिल जाएगी. लैसन दी वीडियो लैन दे लई तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो. चलो शुरू करते हैं द डाइंग डिटेक्टिव. डिटेक्टिव की होंगे ने जासूस. डाइंग मतलब मरदा होया, मर रहा जासूस, ये लैसन का नाम है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मिसिज हडसन. मिसिज हडसन कौन सी? वाई डिड शी गो टू वैटसन हाउस. वह वैटसन दे घर क्यों गई सी? आंसर, मिसिज हडसन वॉज अ लैंड लेडी ऑफ शेरलोक होम्स. मिसिज हडसन शेरलोक होम्स की मकान मालकन सी. शी वेंट टू वैटसन हाउस टू टैल हिम दैट हिज फ्रेंड होम्स वॉज सीरियसली इल. वह वैटसन यह दसन गई सी कि उसका दोस्त होम्स बहुत बुरी तरह बीमार है एंड वॉन्टेड टू सी हिम, तो उसनू मिलना चाहता है. नैक्सट क्वेश्चन, वेयर डिड होम्स गैट द इलनैस फ्रॉम. होम्स यह बीमारी कितों हो गई सी? वैन डिड ही गैट इट, तो उसनों यह बीमारी कदों हुई सी, कदों तो कितने, ये दसना आप बीमारी कदों तो कितने हुई सी. होम्स गोट द इलनैस फ्रॉम सम चाइनीज सेलरस. होम्स यह बीमारी चाइनीज सेलरस तो हो गई सी. ही गोट इट वैन ही वॉज वर्किंग ऑन द केस ऑन अ केस एट अ प्लेस नीअर द नीयर अ रिवर. उसनों यह बीमारी उदों हो गई सी जदों वो एक केस के उपर काम कर रहा सी एक नदी के नेड़े. बट एज वी नो इट वॉज ऑल मेड अप स्टोरी. पर जिमें आप लैसन पढ़ चुके हैं इतने इतने कहना यह चाहते हैं कि क्योंकि असी लैसन पढ़ चुके हैं सानू पता है कि यह एक्चुअली कोई बीमारी हुई ही नहीं सी इनू, तो यह सारी मेड अप स्टोरी सी, बनी बनाई कहानी सी. नैक्सट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वट वॉज होम्स कंडीशन वैन वैटसन सॉ हिम. होम्स की कंडीशन सी जो वैटसन ने उसनों देखा. आंसर, होम्स लुकड सीरियसली इल वैन वैटसन सॉ हिम. होम्स बहुत बुरी तरह बीमार नज़र आ रहा सी जदों वैटसन ने उसनों देखा. हिज आईज हैड द ब्राइटनैस ऑफ फीवर. उस दियां अखां दे विच बुखार सी. हिज चीक्स वर फ्लश्ड. उस दियां गल्लां उतरिया होईयां सी. हिज हैंड्स वर ट्विंचिंग. उसके हाथ कंब रहे सी. नैक्सट क्वेश्चन, वाई डिड ही नॉट लैट वैटसन एग्जामिन हिम. उसने वैटसन नूं अपने आप नूं एग्जामिन क्यों नहीं करन दिता? आंसर, होम्स वॉज नॉट एक्चुअली इल. होम्स असल विच बीमार नहीं सी. ही वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इल. प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, तो वह जस्ट प्रिटेंड कर रहा सीगा कि मैं बीमार हाँ. ही न्यू दैट इफ हिज फ्रेंड डॉक्टर वैटसन एग्जामिन्ड हिम ही वुड नो द ट्रुथ. तो उसनों लग्या सी कि जे मेरा दोस्त जो कि एक डॉक्टर है डॉक्टर वैटसन, जे वो मेरा मेरी जांच करेगा तो उसनों सच का पता लग जाएगा. सो ही डिड नॉट लैट वैटसन एग्जामिन हिम. इसलिए उसने वैटसन नू अपने आप नू जांच करन नहीं दिती. नैक्सट क्वेश्चन, टिल वैन द वैटसन आस टू स्टे इन होम्स हाउस. किन्ने बजे तक होम्स दे घर वैटसन नू रोकया गया? आंसर, ही वॉज आस टू स्टे इन देयर टिल 6 o'clock. उसनू 6 बजे तक उथे रोकया गया. वट वॉज वैटसन बाय प्रोफेशन. प्रोफेशन दे तौर ते वैटसन की करदा सी? जिमें कि आपां नू पता ही है कि वह डॉक्टर सी. डॉक्टर, होम्स गोट द इलनैस फ्रॉम सम चाइनीज सेलरस. उपर आप पढ़िया क्वेश्चन के विच भी आया कि चाइनीज सेलर तो उसनू हो गई सी बीमारी. समिथ सेंट होम्स एंड इनफेक्टेड शार्प सफरिंग इन एन
आइवरी बॉक्स। यह कहानी जो तुसी पढ़ोगे सुनोगे तो तुसी समझोगे कि यह आंसर एदा एंड आइवरी बॉक्स क्यों आया। आइवरी बो आइवरी का मतलब मैं तुम दस दानी हाँ, हाथी दंद उसनू आइवरी बोलिया जाता है। तो हाथी दंद तो बनिया हुई बहुत सारिया चीज़ा आपू बाज़ार मिल जाएँ ने, तो यह आइवरी तो बने हुआ बॉक्स सेगा एक, उस दे विच उसनू एक इनफेक्टेड शार्प स्परिंग भेजा गया सीगा, समिथ ने भेजा सी होम्स नू। तो बच्चों यह सी तुहाडे क्वेश्चन आंसर, फस्ट 5 क्वेश्चन आप कर ले ने। टोटल इस दे जिहड़े हैगे ने क्वेश्चन वह हैगे ने 20 क्वेश्चन टोटल ने। 5 क्वेश्चन अज आप कर ले ने, ते नाल ही आप 3 क्वेश्चन ने जिहड़े वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए ने, MCQs किए ने। तो आई होप कि तुहानू क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। बच्चों मेरी यही सलाह है कि तुसी नाल नाल ही क्वेश्चन नू याद करते रहो, ता जो तुहाडे पेपर की तुसी नाल नाल ही तैयारी कर सको। इकट्ठी तैयारी कदें भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हुण तुहाडे कोल टीचर नहीं है, नाल नाल टीचर तुहानू अगे तैयारी करवा देंगे ने, टैसट लै लेंगे ने। तो हुण तुसी जिन्ना भी इस वीडियो दे विच सुनिया पढ़िया देखिया उन्हों तुसी अपनी कापी दे उपर लिख लो, क्वेश्चन आंसर कर लो अपनी कापी दे उपर, ते उन्हां नू अज ही याद कर लो। ते बहुत जल्दी मैं तुहानू इस लैसन दी पूरी पंजाबी दी एक वीडियो तैयार करके दे दांगी। तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब करके रखो, ता जो जदों ही वीडियो मैं तुहानू अपलोड करा तुहानू वो वीडियो नाल दी नाल मिल जावे। जे तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे ता तुसी मेरी वीडियो के उपर एक लाइक का बटन दबा सकते हो। सो तो अपनी अटेंडेंस लगाना बच्चों ना भूलिया करो, अटेंडेंस अपनी कमेंट बॉक्स के विच अपनी अटेंडेंस लगाया करो, जिस दे विच अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सैक्शन ते स्कूल का नाम जरूर लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।